बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंदर ना मच्छर टाइप्स कुछ है, या मे बी मच्छर ही है। बहुत सही वॉकवे बना हुआ है यहाँ पे। Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to one more vlog. And ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक कार व्लॉगिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और जो मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ़ोन मेरे यहाँ पर है और दोनों फ़ोन, इवन पिक्सल भी यहीं पे है। पिक्सल को तो मैंने अभी लगा रखा है इस पर एंड्रॉयड ऑटो के साथ। वो कुछ काम से निकला हूँ और एक छोटा सा व्लॉग आइडिया, ये जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ मेरे सोनी ZV-10 से। और जस्ट एज ए रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे सेट कर रहा हूँ इसको, कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, GoPro को आप इधर लगा के सेट कर सकते हो, बट उसमें कुछ ऑडियो इशूज आया था। बट इसमें आई गेस ऑडियो वुड बी एकदम क्रिस्प बिकॉज आई एम यूजिंग द वायरलेस माइक्रोफोन। एंड जस्ट टू गिव एन आइडिया, दिस इज़ हाउ आई एम रिकॉर्डिंग इट। सो आपको आइडिया लग गया होगा। और नीचे ये देखो ट्राईपॉड ऐसे लगा रखा है मैंने, तो कैसा क्या स्टेबल रहेगा आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को कैमरा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू डैमेज द कैमरा बाय एनी मींस। और बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 42-44% के आसपास की बैटरी है। तो आई एम जस्ट वांटिंग टू चेक वेदर दिस कैन बी अ गुड सेटअप व्हेन इट कम्स टू कार व्लॉगिंग। ये आपका ट्राईपॉड नॉर्मली ये भागेगा नहीं कहीं पे, बिकॉज इट्स स्टेबल मोर ऑर लेस यहाँ पे। और ये मैंने बाहर के देशों के व्लॉग्स में देख रखा है। वैसे सेम चीज़ आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। GoPro से कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट के मेरे पास ये ऑप्शन है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक इट आउट कैसे क्या फीजिबल है, कहाँ तक फीजिबल है एंड ऑल दैट। जहाँ तक एंगल्स का सवाल है, तो ये आपका मेन फ्रेम एंगल है। और अगर आई मीन जस्ट बिकॉज इट्स ऑन ट्राईपॉड, यू कैन एक्चुअली रोटेट इट एंड यू कैन लाइक यूज़ मल्टीपल एंगल्स एज यू वॉन्ट। खुद को दिखा सकते हो ड्राइविंग करते हुए, बाकी जैसा आपको रोड दिखाना है तो आप कैमरा को भी घुमा सकते हो। एक बार मैं आपको कैमरा घुमा देता हूँ इस तरफ, तो ये देखो दिस इज़ हाउ यू कैन शो द व्यू ऑफ द आउटसाइड एट द सेम टाइम। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पीड कैमरेज लगे होते हैं। पे जो भी गाड़ी एकदम मस्त भगा के जा रही है ना, अगर उनको पता नहीं है तो उनको अच्छा खासा चलाना आ जाएगा। और बाकी आप लोग बताना ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, हाउज द एंगल एंड एवरीथिंग, हाउज द ऑडियो, हाउज द ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल आइडिया। ये अलग बात है कि मेरे कार व्लॉग्स में ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। मेहनत तो सब में एक ही जाता है। पता नहीं बीच में शायद रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, कैमरा घुमाते वक्त कुछ बटन मैंने प्रेस कर दिया होगा। क्या क्या लोकेशन है, मिश्रा जी टी स्टॉल। तो कुतुब मीनार का प्लान ना मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दिखा रहा है 34 मिनट्स, और बहुत हैवी कंजेशन दिखा रहा था बीच में। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ड्रॉप। अभी इस जगह पे मैं पहले आया हुआ हूँ, बट देन अगेन जा नहीं पाया था। प्रतीक और मैं आया था एक बार। द प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर विद इन द दिल्ली पीपल एंड इट्स कॉल्ड वेस्ट टू वंडर्स। नाउ द थिंग इज़ दैट वेदर इट विल बी ओपन और नॉट, वो एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट एंट्री फीस 50 रुपये, और कैश अगर नहीं लेते हैं तो दिक्कत। आई एम हैवीली अ UPI डिपेंडेंट पर्सन। इस जगह पे ना हम लोग बहुत पहले आए थे, तब प्रतीक के पास ऑल्टो हुआ करता था, तो हम ऑल्टो से आए थे। इतनी भीड़ थी कि हम गाड़ी अंदर लेके ही नहीं जा पाए, मतलब बाहर बाहर से ही देखा कि हाँ ये वेस्ट टू वंडर्स है, और वो देख के चले गए। अभी इट इज़ नॉट एट ऑल अ फेवरेबल टाइम, अभी दोपहर के 1 बजे है। मेरे जैसा पागल ही इस टाइम पे आएंगे। यू टर्न तो यहाँ से लेना पड़ेगा, आई नो दैट। पार्किंग कहाँ है भाई, पार्किंग कहाँ है, घुमा ही लेना चाहिए। ऐसे ही लगा दे, ओए कैमरा गिरने वाला था अभी। और ये कुछ यहाँ का टिकट का सिस्टम है, 50 रुपये 4 घंटे के लिए, और संडे को आओगे ऐसे ये 60 रुपये का है टिकट,
संडे को आओगे तो ये आई गेस ये 60 रुपये का टिकट हो जाएगा, और बाहर पार्किंग भी 60 रुपये की लगी है, गाड़ी बाहर ही पार्क्ड है। अभी ऑफ टाइम में आने का बेस्ट पार्ट है, आपको भीड़ नहीं मिलने वाला है। और दिस इज़ द लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जो भी है। ओरिजिनल पे जा नहीं सकते तो बजट में यहीं पे काम चलाना पड़ेगा। अब इजिप्ट कभी जाना होगा या नहीं पता नहीं, तो यहीं से देख लो, मैं भी यहीं से देख लेता हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा और जूम करके आपको मटेरियल का एक फील दे देता हूँ। यहाँ पे पूरा ये ना लिखा हुआ है कौन सा किसका है ओरिजिनल और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वाले स्ट्रक्चर पे ये यूज्ड हुआ है पाइप्स, 110 डेज ऑफ एंगल्स, 10 टू 12 टन्स ऑफ स्क्रैप इज यूज्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खोपचे हैं ना, लव बर्ड्स बैठे हुए हैं, बहुत कुछ चल रहा है, समझ सकते हो क्या क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा मेरे को भी ध्यान रख के कैमरा चलाना पड़ेगा ताकि उनके कारनामे मेरे कैमरे पे ना रिकॉर्ड हो जाए। मैं तो खैर सिंगल इंसान मैं आ जाता हूँ, बट उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे बैठा हुआ कबूतर नहीं कौन सा है वो, बंगाली में शालिक बोलते हैं इसको, आई डोंट नो द इंग्लिश, उड़ गया। आईफेल टावर के टॉप में है 5G का टावर या 4G या जो भी जी हो। एंड मेरे को ऐसे बुलेवार्ड ऐसे वॉकवेज बहुत ज़्यादा पसंद है। और सामने आई गेस दिस इज़ द कोलोसियम, उसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, इट्स ब्यूटीफुल। तो जिनके पास मेरे जैसे पैसे नहीं है यहाँ, और एट द सेम टाइम आप लोगों को घूमने का बहुत कीड़ा है और इमीडिएटली आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो। बाकी अगर दिल्ली गाज़ियाबाद में आते हो NCR में और रहते हो या आते हो, यू कैन इजीली विजिट दिस एंड हैव अ फील ऑफ इट। तो ये देखो, हाँ ठीक ही बताया था मैंने, कोलोसियम। एम्बेसडर गाड़ी तो बहुत लोगों ने देखा है, दिस इज अ यूनिक वे ऑफ शोइंग एम्बेसडर, यूनिक यूज।
इसका फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसा ही है। सब्सक्राइब करके देख रहे हो या बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो? अगर नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दो। खतरनाक सब्सक्रिप्शन पिचिंग हो गया ना ये। ये और एक डायनासोर, बहुत सारे डायनासोर। अच्छा आई गेस ये यहाँ पे कुछ ईटिंग एरिया टाइप्स कुछ है यहाँ पे। बाकी स्ट्रक्चर तो ये भी मस्त बना हुआ है। ईट्री भी है अंदर, सही है। अच्छा यहाँ से आप ऊपर जा भी सकते हो और यहाँ पे बच्चों का स्लिप बना हुआ है, सही है। और यहाँ पे आया हूँ, कुछ तो खा पी के जाऊँगा। लिमका लिया है, पता नहीं लिमका का टेस्ट पहले अच्छा था, अब इन दिनों से दवाई जैसा लगता है इनका टेस्ट। तो गाड़ियों के ऊपर डायनासोर, कौन सी गाड़ी है? स्कोडा ऑक्टाविया डीजल, इसका ये रूपांतर, सही है ये। और अंदर कुछ केबलिंग सिस्टम वगैरह है, कैसे साउंड वाउंड निकालने के लिए है ये। कुछ देर पहले डायनासोर का साउंड आ रहा था। चाहे मुंडी भी लाता है मुच्छरी। और ये है कौन सा सोरस, पढ़ लो भाई। मारुति 800, उसका क्या कंडीशन है अभी। मकड़ी का जाल भी दिख रहा है मेरे को, और ऊपर ये दोनों छोटे बच्चे। मेटालिक डायनासोर, मेटालोसोर, अगेन अ बैड जोक, सॉरी। ये है फोर्ड फिएस्टा, और उसका अभी ये हाल है। ये अच्छा थंबनेल बन सकता है, सोचो। सच में वेस्ट टू वंडर्स। डायनासोर बनाना इजी है क्या? किलो के बहुत डायनासोर बना रखे हैं इन्होंने। डायनासोर के मुंह के अंदर क्या है वो? ये कोई स्मोक मशीन लग रहा है मेरे को, मुंह से धुआं हुआ निकल रहा है। अच्छा ये इसका साउंड है, स्पीकर बॉक्स है, रिंगटोन नहीं है। डायनासोर का रिंगटोन। इन्होंने वेस्ट से अंडे भी बना दिए, सही है भाई। यहाँ पे कुछ वाटर स्ट्रीम जैसी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या है, मे बी कोई आर्टिफिशियल झरना टाइप बना रखा होगा, वाटर स्ट्रीम, वाटर फ्लो टाइप्स। जाके देखते हैं भाई, तुम कौन हो? वेलोसी रैप्टर, ओहो वेलोसिटी वाले रैप्टर। अच्छा ये है, सही है। ये डायनासोर का राजा, क्यों? इसका नाम है राजा सरस। अगेन अ बैड जोक बट कांट हेल्प इट। ये तो पूरे फैमिली के साथ है, इनमें से कौन मम्मी है कौन पापा है बता नहीं सकता। ये दोनों चुन्नू मुन्नू हैं इसके। वैसे अगर रियल में आ जाते ना, फट के हाथ में आ जाती सबकी। ये दिख रहा है, ये कहाँ गया? ये सीसीटीवी कैमरा है, ये सही जगह है। तो हम एग्जिट पे आ गए हैं। यहाँ पे अंदर एक स्क्रैप यार्ड भी है, बट स्क्रैप यार्ड में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आपके पास पुराना सामान हो आप आके यहाँ पे दे दो, ऐसा नहीं है। दिस इज़ प्रॉपर कलेक्टेड फ्रॉम MCD। मैंने पूछा यहाँ पे एक अथॉरिटी से, कैमरे पे नहीं पूछा, ऑफलाइन पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो MCD से कलेक्ट करते हैं। MCD का जो भी सामान आता है स्क्रैप में, वैसे पुराने बहुत सारे स्क्रैप्स रखे हुए थे, सो मे बी दे विल पुट इन मॉडल्स इन द फ्यूचर। बट बाकी तो बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ आओ, बच्चों का बहुत इन्जॉयमेंट होगा, आपके लिए भी सही हो जाएगा एक। ये सही है, फूड कोर्ट भी इनका वेस्ट से ही बना हुआ है, ट्रेन से। देखो कितना मस्त बना रखा है इन्होंने ट्रेन का स्ट्रक्चर। फूड कोर्ट है ये, नो आउटसाइड फूड अलाउड। ये खड़ी मेरी गाड़ी, अभी मिलता हूँ आपके साथ सोनी पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंदर ना मच्छर टाइप्स कुछ है, या मे भी मच्छर ही है, उसके चलते ना बहुत काट रहे थे। जैसे ही आप रुकोगे बहुत ज़्यादा एकदम से काट रहे थे, तो मिला जुला के यहाँ पे जो आना था मेरे को, एक बार एक्सपीरियंस करना था वेस्ट टू वंडर,
तो जस्ट टू लेट यू नो पार्किंग आउटसाइड इज 60 रुपीज एंड 50 रुपये अंदर 4 घंटे के लिए, और संडे को आओगे तो इट्स 60 रुपीज। कितना टाइम हो गया अभी? 2:10 हो गए, घर ही चलता हूँ मैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये सोनी से जो व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है, फिर ये वेस्ट टू वंडर आने का जो डिसीजन, और जो आप लोगों को दिखाया मैं अंदर, मैं कैमरा लेके नहीं गया था तो अंदर आई वॉज शूटिंग इट ऑल थ्रू आउट फ्रॉम माई फ़ोन ओनली। फ़ोन भी तगड़ा है भाई, ठीक है, आईफोन नहीं है तो क्या है। आईफोन इज़ नॉट द डिफाइनिंग फैक्टर। ऐसा नहीं है कि आपके आपके पास आपको व्लॉगिंग करना हो तो आपको आईफोन ही चाहिए होगा। यहाँ से राइट टर्न अलाउड है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, देखता है। अरे है मज़ेदार, तेरी भाई तुम गिरो मत। तो ये जब आप टर्निंग ले रहे हो ना, तो तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एकदम से जब टर्न लोगे ना, हाई स्पीड टर्न्स, जो भी फोर्स होता है, तो उसके चलते ट्राइपॉड इधर से उधर जा सकता है। मेरे साथ 2 बार हुआ है, तो मैंने थैंकफुली एम्बुलेंस है भाई, एम्बुलेंस को हमेशा साइड दे दो। अभी इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये शॉर्ट ट्रिप टू दिस वेस्ट टू वंडर्स आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि उसमें मेरा भी फ़ायदा होता है, चैनल विल ग्रो एंड इट विल गिव मी एनकरेजमेंट एंड मनी एट द सेम टाइम टू ग्रो माई चैनल, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स दिस थिंग, पैसा। आई सी यू गाइज इन सम अदर ब्लॉग। यू गाइज स्टे वेल। चलो गाइज, बाय बाय।